हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे नादान परिंदो। तो आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग सी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एक्स अल्फा एक्सीलेंस। तो मैं आपका मेंटोर, मैं आपका टीचर एहसान हुसैन। तो आज के सेशन में माय डियर बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा आपको याद है? क्या हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म किया? तो आज हम एक्सक्रीशन यानी जो हमने खाया पिया उसको बाहर कैसे निकालना है वो आज हमें देखना है। सो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, और उसके बाद हमें देखना है नेफ्रॉन क्या होता है। सो माय डियर बजा पार्टी, आज का पढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था हार्ट का वर्किंग कैसा है। हमने पढ़ा हमारा जो हार्ट है वो चार चेम्बर्ड का होता है, उसमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। हमने देखा कि कैसे अयोटा सबसे बड़ी आर्टरी मानी जाती है, कैसे वेना कैवा सबसे बड़ी वेन मानी जाती है, और हमने कल का कंफ्यूजन सारा क्लियर किया कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। और हमने कल देखा कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसे डबल सर्कुलेशन बनाता है, वो सारा चीज हमने कल देखा था माय डियर बच्चा पाटिल। तो आगे चलते हैं माय डियर बचास। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन, क्या होता है एक्सक्रीशन। तो आपको याद रखना है जो भी हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस या हार्मफुल वेस्ट, हाँ नाइट्रोजनस, अगर नाइट्रोजन है याद रखना, जब भी प्रोटीन की डाइजेशन होती है, जब भी प्रोटीन की डाइजेशन होती है और जहां जहां प्रोटीन काम आता है वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर आपको बोलेगा कोई क्या हमारी बॉडी में से इतना नाइट्रोजन कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है माय डियर? हाँ जी बेटा, वो आता है कहाँ से? हाँ, जो प्रोटीन डाइजेशन होता है। तो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपको पता ही है, अनादिकाल से हम रटते जाते हैं डेफिनेशन। ये तो होती है हार्मफुल नाइट्रोजन्स मेटाबॉलिक वेस्ट। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन जब होती है ज्यादा, उसी से हाँ हमें नाइट्रोजन्स वेस्ट निकलते देखने को निकलता। तो स्टडी ऑफ किडनीज यानी इस स्टडी ऑफ किडनी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, वाइल एज यूरोलॉजी जो है वो यूरिनरी ब्लेडर सा यूरेटर वगैरह से उस स्टडी को हम यूरोलॉजी बोलते हैं। तो अगर आपको पता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीट करते हैं बाय डिफ्यूजन यानी जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं, वाइल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स जो है उनके पास किडनीज होती है। प्लेनेरिया में हमने क्लास 9 में यानी फ्लैट वर्म जो है उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं या प्रोटोनेफ्रिडियस को हम बोलते हैं। अर्थ वर्म में नेफ्रिडिया होता है, कॉकरोच में मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, समझ आ रही मेरी, या इंटरनल ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, समझ आ रही? जैसे हमारे पास किडनी है वैसे इनके पास फ्लेम सेल्स भी होते हैं, वैसे ही नेफ्रिडिया होता है, वैसे ही मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। सिंपली ए बोमेंस कैप्सूल, उसी के साथ कुछ जो हम आगे जाने पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रॉन में। तो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है इसको हम डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी, और किडनी कैसी है ये भी हम देखेंगे। यूरिटर्स, हाँ यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा और कंस्टिट्यूटेड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड क्या माई डियर बच्चा पार्टी? यस माई डियर, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। हाँ जी बेटा, इसको हम बोलते हैं ये जो है ना बीन शेप्ड राजमा दाल जैसी होती है, इसको हम किडनी बोलते हैं। इसका ऑलमोस्ट जो वजन होता है इट इज 120 to 170 ग्राम, और जो इनका लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है, और 5 से 7 इनका इनकी वेट होती है, और ये होती है रेडिश
हाँ रेडिश ब्राउन होती है, और आपकी बैकबोन यानी एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। हाँ जी मैं डियर बच्चा पार्टी, पिछली बार मैंने बोला था लंग्स और हार्ट जो होता है वो थोरेसिक कैविटी में होता है, वायरस ये जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में होती है। और जो यूरिन होता है ये असल में सारा फिल्ट्रेट होता है फ्रॉम द ब्लड, और दैट इज वाई दिस दिस सिस्टम इज क्लोजली कनेक्टेड टू द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्या माय डियर बच्चा पटी, यहाँ से अयोटा से क्या आता है, ब्लड आता है, और अयोटा अयोटा फिर डिवाइड होता है, ये जो अयोटा होता है वो यहाँ पर डिवाइड होता है इन द आर्टियोल्स, और आर्टियोल्स भी किस में डिवाइड होते हैं, आर्टरीज में, सॉरी आर्टरीज, और रही इस आर्टरी को हम बोलते हैं रीनल आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ से फिर जो यूरिया होता है हमारा वो यूरिन फॉर्म से यूरेटर से बाहर चला जाता है हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। हाँ समझ आ रही मेरी बात माय डियर बच्चा पढ़ी। और ईच किडनी के पास, जो किडनी होती है इसके पास माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किसको, किडनी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, यस माय डियर, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रा। तो इसमें हमारे यूरिन में क्या क्या होता है, एक तो होता है वाटर होता है, नाइट्रोजन वेस्ट जैसे हम में यूरिया होता है, किसी किसी जानवर में यूरिक एसिड, और फॉर एग्जाम्पल बर्ड उसमें यूरिक एसिड होता है, या कुछ जानवर फॉर एग्जाम्पल फिशेस उनमें अमोनिया पाया जाता है। तो वाटर होता है जो एक्सेसिव वाटर होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो ब्लड में यानी जो बाकी हम आगे देखने वाले है। और फिर ब्लेडर से बाहर जाता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जो होती है इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इन मेल्स, इन मेल ओनली इन मेल्स, क्या होता है, इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनर जेनाइटा, हमारा जो जेनाइटल सिस्टम है उसके लिए, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए भी एक कॉमन ओपनिंग होती है। और याद रखना माय डियर बच्चा पार्टी, और इस हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम इसको यूरिथ्रा के बदले, यूरिथ्रा तो बोलते ही इसको हम बोलेंगे यूराइनो जेनाइटल डक्ट, याद रखना माय डियर, यूराइनो जेनाइटल डक्ट, इसका रीजन मैंने पहले ही बोला कि क्या होता है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का काम क्या है ये हम देखेंगे माय डियर बच्चा पार्टी। नेफ्रॉन जो है इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आपको पता है नेफ्रॉन की जो स्टार्ट होती है ये जो गुच्छा है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है, और एफरेंट आर्टियोल से ब्लड पास होके निकलता है। इस सारे हिस्से को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, आपको याद रखना है बोमेंस कैप्सूल में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसमें सिंपल डिफ्यूजन के लिए कौन सी सेल्स है, सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं, ये या आपको याद रखना है। यहाँ से जो जो भी चीज है वो आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस या आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है, तो वो जो आयंस वायंस होते हैं यूरिया वूरिया होता है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चला जाता है। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, याद रखना माय डियर, ये होता है प्रोक्सिमल कन्लेटेड टिब्यूल होता है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, क्या माय डियर बेटा जी, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इस लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, याद रखना इसको हम लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है आपको याद रखना है, पीसीटी में जो एक्सेसिव वाटर है वो क्या होता है, रिअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पर क्या होता है डीसीटी में आपको याद रखना है जो भी एसेंशियल साल्ट है वो यहाँ पर क्या होते हैं, वापस से रिअब्जॉर्ब होते हैं, और जो फिर लास्ट में जो हमारे काम का नहीं होता है वो फिर कहाँ चला जाता है बेटा जी, हाँ जी माई डियर बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में। और आपको याद रखना है ईच नेफ्रॉन कैन फिल्ट्रेट ओनली 0.1
मिलीलीटर, यस माय डियर, 0.1 मिलीलीटर कितना यूरिन। एक और, हाँ जी बेटा, एक एक नेफ्रॉन 0.1 मिलीलीटर को ये यूरिन बनाते हैं। और उसके बाद बेटा जी ये जो है वो यूरेटर से हमारी यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा में चला जाता है। तो आई होप आपको समझ आ, हाँ जी बेटा, अब जिनमें, अब अल्लाह ताला ना करे, जिनमें किडनी फेलियर होता है उनके लिए एक क्या है बेटा जी, उनके लिए एक प्रोसेस जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। आपको याद रखना है डायलिसिस क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट, यानी इसको आर्टिफिशियल किडनी जो होती है इसको हम वो भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा जी, इसका दूसरा, इस प्रोसेस को दूसरा नाम हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब साफ करना। तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम याद रखनी है डायलिसिस के लिए। क्या डायग्राम में क्या बोल रहा है माय डियर बच्चा पार्टी, आपको याद रखना है कि देखो, अगर हम इसकी वेन में, सॉरी आपका, इसकी आर्टरी में क्या डालना है, एक पाइप डालनी है। वो कहां तक जाएगी, हमारे डायलाइजर तक। हमारा डायलाइजर तक जब ये जाएगी ना, तो डायलाइजर जो है, आपको याद रखना है, जो डायलिसेट है उसमें ये एक ऐसा फ्लूइड होता है, इट इज सेम एज लाइक माय डियर बच्चा पार्टी, जैसे हमारा ब्लड है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इसमें वही प्रोटीन्स, वही मिनरल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होती है। हाँ, सेम एज लाइक क्या माय डियर बच्चा पार्टी, हाँ जी माय डियर बच्चा पार्टी, जो हमारा डायलिसेट होता है वो बराबर ब्लड लाइक होता है। और आपको पता है इन दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको पता है जो हाई कंसंट्रेशन है वो किधर चला जाता है, लो कंसंट्रेशन में चला। हाँ जी बेटा, वही कंसंट्रेशन वाला सीन है यहाँ पर, जो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे वेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो इसमें चला जाएगी, और जो डायलिसेट है वो वेस्ट के साथ अलग निकलेगा और यहाँ से आता रहेगा, और जो ब्लड है वो ब्लड सीधे उसके वेन्स में चला जाएगा विद लेस। आप उतना भी एफिशिएंट डायलिसिस नहीं बना सकते हैं, लेकिन तो भी कुछ हद तक, बहुत ज्यादा हद तक ये काम हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात, आई होप माय डियर बच्चा पार्टी। आपको एक चीज बोली है कि जो यहाँ पर मैंने बोला ना, इस चीज को हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी बोलते हैं, ये याद रखना, इस चीज को हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी बोलते हैं। तो आप लेक्चर पीछे करके ये देख सकते हो। सो माय डियर बच्चा पार्टी, आपका जो लेक्चर सीरीज है, रे सीरीज, हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हमने एनिमल्स में पढ़ा। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो हम अबाउट द प्लांट, हमें लाइफ प्रोसेस इन प्लांट पढ़ना है, ये लाइफ प्रोसेस एनिमल्स है, और आगे जाके हमें किस में पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। तो आई होप आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, जितना से ज़्यादा आप उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।